रियल पब्लिक साइंस वाले लोग असल समाजवादी लोग हैं, इनके झूठ, इनके अफवाह और इनके पॉलिटिकल वेंडेटा और फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास जिगर भी है, राजनीतिक ज़मीन भी है, हमारे पास ज़मीर भी है और हमारे पास विचार भी है। ये जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन हमने कहा था कि इस तरह का प्रयास जो है लगातार चलता रहे। असल में इन लोगों को सबसे बड़ा डर पूर्णिया के रैली के बाद जो जन समूह को देखते के बाद इन लोगों को बड़ा भय जो है लगा, और ये लोग जान रहे हैं कि असल जो लड़ाई है 2024 का वो ये कहीं टिकने वाले नहीं है। तो ये केस उस रैली में भी हमने कहा था कि ये लोग आएंगे और हम लोग तो जानते ही हैं ये लोग करते ही रहेंगे। आप कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने ट्वीट किया था, सुन लो अरे सुनिए ना, 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में सेम इसी तरीके से स्टाइल में इन लोगों ने किया था। 8000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि मेरे यहाँ मेरे पास से कितना खजाना मिला है, ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे हैं, मेरे पास से ठेंगा मिला है, सीजर लिस्ट जो है जारी करें या हम जारी कर देते हैं। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं असल अदानी हम ही हैं। मतलब CBI, ED या तो कंफ्यूज हो गई है, मेरा शक्ल अदानी जी से मिलता है क्या? 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ कर के इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं, उनको मेरे यहाँ से मेरे पास से ठेंगा मिलता है और न्यूज़ में वो तो एक प्लांटेड खबर है। बताओ ED आकर के प्रेस रिलीज दे रही है, हम तो बोले पंचनामा होगा ना, मेरे पास है और हमने ट्वीट भी करके बोला है कि जारी करो पंचनामा, नहीं तो हम जारी कर देंगे। वही पुरानी चीज़ें, रेलवे, अरे रेलवे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास कोई अलग कहानी नहीं है। ये लोग पहले बेनामी बोलते थे, बेनामी एक बार भी नहीं बोल रहे, क्यों भैया? बेनामी के सारे मुकदमे हमसे तो ख़त्म हो गए क्या? ख़त्म हो गए तो इसलिए इन सब को कह दे दीजिए। और बात बताइए, मेरी बहनों के यहाँ ससुराल में उनकी जो बहन के जो ननद हैं उनके ससुराल में, अब किसी के यहाँ छापा मारिएगा तो थोड़ा बहुत आपके पास जो पहनती हैं श्रृंगार के लिए कंगन हाथ में पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, अब 4 बहनों के यहाँ मारा है, उनकी सास है, उनकी ननद है, उन सब का उतरवा करके आप फोटो खींच करके राज जारी कीजिएगा तो अब इस निम्न स्तर पर राजनीति हो रही है। और इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं, किसी को कुछ भी निकालना हो करने दीजिए, जनता जो है जवाब देगी। और भाजपा कह रही है इस्तीफा दे देना चाहिए, कौन भाजपा कह रही है इस्तीफा दे देना चाहिए? वो तो चाहती है ना भाई, उनको जब से बिहार की जनता ने जो मजाक चखाया पछ रहा है क्या? सरकार में बाहर हुए हैं जिस दिन से हमने किया है उसको, भाजपा को, तब से पछ रहा है क्या? व्याकुल हो रखे हैं लोग, व्याकुल हो रखे हैं। महाराष्ट्र में विधायक खरीद रहे थे, ED पहुंची क्या? भाजपा MLA के यहाँ घर में 8 करोड़ रुपए मिले, वहाँ ED CBI गई क्या? क्यों नहीं जाती है? थोड़ा दिन रुकिए ना, बिहार में कोई है क्या? भाजपा में कोई नेता है क्या? अभी सब भागेंगे। सर कहा जा रहा है डर से?